स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का इंग्लिश बाय डीके सर चैनल पे। आज मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक ग्रामर का पढ़ाने वाला हूं, पॉजिटिव प्रोनाउन। मेरे प्यारे बच्चों, ये एग्जाम्स में एक से दो नंबर का फिक्स आता है। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो इंग्लिश बाय डीके सर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ताकि मेरा भी उत्साह बढ़ सके। तो चलिए शुरू करते हैं, व्हाट इज पॉजिटिव प्रोनाउन। मेरे प्यारे बच्चों, पॉजिटिव प्रोनाउन का मतलब होता है ओनरशिप दिखाना, अपनापन दिखाना। अपनापन दिखलाने के लिए हम इसको दो कैटेगरी में बांटते हैं। पहला होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, जो कि नाउन के पहले होता है, और दूसरा होता है पॉजिटिव प्रोनाउन, जो कि वर्ब के साथ होता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात करें, आप देख रहे हैं कि माई को कहते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव, और माई को कहते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन। योर को कहते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव, योर्स को कहते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन। हिज को कहते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव, और हिज को ही कहते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन। हर को कहते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव, और हर्स को कहते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन। देयर को कहते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव, और देयर्स को कहते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन। आवर को कहते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव, और आवर्स को कहते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन। सिंपल सा ट्रिक आपको ये मिला कि जब आप एस लगाते हो ना, तो पॉजिटिव प्रोनाउन बन जाता है। सिर्फ दो एक्सेप्शन छोड़ देना, एक माइन को छोड़ देना और एक हिज को छोड़ देना। इन दोनों को छोड़ दो तो कभी भी पॉजिटिव प्रोनाउन बनाते समय अपोस्ट्रोफ लगा लो। और ध्यान देना, राम, श्याम, पूजा, गीता, सीता, पूनम, दीपा, जितने भी लोग हैं ना, जिस भी इंसान का अगर तुम नाम लेते हो ना, उसको भी एडजेक्टिव बना सकते हो अपोस्ट्रोफ लगा। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, अपोस्ट्रोफ लगाने को बना है। इसका कोई पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता है। इट्स पॉजिटिव एडजेक्टिव है, लेकिन इट्स का कोई पॉजिटिव प्रोनाउन हो ही नहीं सकता, ना है ना रहेगा। अब हमने आपको डेफिनेशन बता दिया। तीन प्रीवियस ईयर के प्रश्न आप मेरे साथ बताओ क्या होगा आंसर। पहले रूल को समझ लो, फिर आंसर देना, और पूरा अंत तक वीडियो देखो, तब समझ में आएगा। सबसे पहले बताया गया यहाँ पे कि ये क्या है, तुम देखो बिल्कुल चिपके हुए, देखो बिल्कुल स्टार्टिंग में देखो, इज क्या है बताओ, इज क्या है? तो इज तुम्हें पता होना चाहिए, वर्ब है। बोलो क्या है? वर्ब। तो वर्ब के साथ क्या लगेगा, बोलो, पॉजिटिव प्रोनाउन। तो छाटो बिनो इसमें कौन है पॉजिटिव प्रोनाउन बताओ, योर है, योर्स है, योर्स है कि योर्स है, कौन है पॉजिटिव प्रोनाउन? तो आंसर तुम्हें मिल गया कि आंसर सर यहाँ पे ये सी वाला ऑप्शन है। कौन सा है बोलो? सी वाला ऑप्शन। क्यों सी वाला है? कि यहां पर देखो योर तो लिखा था, इसमें अपोस्ट्रोफ नहीं लगा था, यस लगा था। ये गलत, ये गलत, ये गलत। महत्वपूर्ण है, समझ लो, सीख लो, वर्ब है तो पॉजिटिव प्रोनाउन लगाना है, बस इतना दिमाग रख लो। दूसरा प्रश्न देखो आपके सामने लिखा है, जो कि एयरफोर्स में पूछा गया था, डैश टीचर इज गुड। अब एक बात बताओ, टीचर क्या है? नाउन है ना, टीचर नाउन है, तो नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, तो बताओ इसमें कौन है एडजेक्टिव? आवर, आवर्स, आवर्स, ना ना दिस, बताओ दोस्तों क्या होगा? ये मान लो ऑप्शन नंबर ए है, तो नाउन ये है, तो नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, लिखा भी है, तो आंसर बताओ बच्चों यहां पे कौन सा हो जाएगा? आवर, देखो आवर यहां पे देखो लिखा होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो सही आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा आवर। तीसरा प्रश्न दिया दोस्तों, दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है, बट दैट वन इज योर्स, लेकिन वो वाली तुम्हारी, बताओ इसमें क्या है? मैं आप लोगों से इस प्रश्न का आंसर मांग रहा हूं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे भी लगे कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। यहां पे तीन प्रश्न दिए हैं, ये आपको आंसर बताना मेरे प्यारे बच्चों। आपको सबसे पहले बता दें, ये जितने भी हमने टॉपिक पढ़ाए हैं, यू हैव टू बी क्लियर, आपको पूरा क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। पॉजिटिव प्रोनाउन का मतलब होता है अपनापन दिखाना। विश्वास करिए, कोई कंसेप्ट, लोग कहते हैं कंसेप्ट कोई अपने अपने यहां से पैदा करता है क्या? नहीं ना, एक बार ग्रामर का रूल बन गया है, यूजेस बन गया, वो हमेशा चलेगा, कोई इसको बदल नहीं सकता। अब इसको याद कराने में कितना मेहनत करना पड़ता है, ये डिसाइड करता है टीचर पे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं लखनऊ में आप लोगों के लिए रुका हुआ हूं, एक एक चीज पढ़ा रहा हूं। वीडियो को लाइक शेयर से ज्यादा जरूरी है कि आप पूरा अंत तक वीडियो देखिएगा। आज के क्लास में यही पिछोड़ता हूं, थैंक यू सो मच। और एक चीज और, एक मेरा छोटा भाई है, उसके लिंक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोला बिस्ट नाम है उसके चैनल का, ढूंढ लीजिएगा यूट्यूब पे। आज का एक क्लास यही पिछोड़ता है, थैंक यू सो मच।